सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अलग अलग जोनरास पे बेस्ड 10 सबसे धमाकेदार मूवीज को। इस लिस्ट के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की एक्शन, नेक्स्ट लेवल की साइफाई एडवेंचर मूवीज देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल की बात, इस लिस्ट की सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में और एक से बढ़कर एक होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे नंबर 10 की मूवी है मॉन्स्टर हंटर, जो गई थी साल 2020 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ सोल्जर्स की, जो कि एक रेगिस्तान में एक मिशन पर होते हैं। पर वहां पे अचानक से इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे के सभी पृथ्वी से एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसका नाम होता है न्यू वर्ल्ड। और वहां पे इनका सामना कुछ बहुत ही खतरनाक, कुछ बहुत ही खूंखार जायंट मॉन्स्टर से होता है। और आगे सभी इन खतरनाक मॉन्स्टर के बीच न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाए गए नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है एक्सल। यह मूवी आई थी साल 2018 में। एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है माइल्स नाम के एक लड़के की, जिसे एक दिन एक्सन नाम का एक रोबोटिक डॉग मिलता है, जो कि यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया होता है, ताकि यूएस मिलिट्री जंग में इसकी मदद से दुश्मनों को बड़ी आराम से ढूंढ कर मार सके। पर यह डॉग बहुत ही ज्यादा एडवांस, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ये लैब से सीधा भागकर मिलता है माइल्स को, और ये माइल्स को अपना एडमिन बना लेता है। और अब सिर्फ माइल्स इसको कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि माइल्स ही अब इसका ओनर है। पर यूएस मिलिट्री किसी भी हाल में डॉग को पाना चाहती है, और वो लोग डॉग को पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। मूवी को रेटिंग में 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 8 की मूवी है असासिन क्रीड। ये मूवी आई थी साल 2016 में। एक साइफाई एक्शन एडवेंचर मूवी है, और इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारी मूवी के विलन्स की, जिनको एक बहुत ही बेशकीमती चीज चाहिए, जिसकी मदद से ये पूरी दुनिया पे राज कर सके। पर वो चीज हजारों सालों पहले कहीं गुम हो गई थी। जिन लोगों को इस चीज के बारे में पता था, वो भी अब मर चुके हैं, और उन्हीं के साथ वो चीज भी दफन हो चुकी है। और अब किसी को भी नहीं पता वो बेशकीमती शक्तिशाली चीज है कहाँ। लेकिन उसी बीच इनके हाथों एक ऐसा वायरस लगता है, जिसकी मदद से हजारों साल पीछे जाके उस चीज की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और आगे किस तरह ये लोग उस वायरस की मदद से पास्ट में जाके उस पावरफुल चीज का पता लगाते हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग में 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है इमॉर्टल्स। क्लोज योर आईज। ये मूवी आई थी साल 2011 में। एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक बहुत ही क्रूर राजा की, जो कि सभी लोगों को मार रहा है, चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी है। और इस किंग को एक ऐसे वेपन की तलाश है जिससे इमोर्टल्स को जगाया जा सकता है, और इस किंग को सिर्फ और सिर्फ थीसस ही रोक सकता है, क्योंकि इसको खुद देवताओं ने चुना है। और थीसस इस किंग को रोक पाएगा नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है मॉर्टल कॉम्बैट। ये मूवी आई थी साल 2021 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ बहुत ही खतरनाक सुपर पावर वाले लोगों की, जो कि दूसरी दुनिया से आते हैं हमारी दुनिया पे कब्जा करने के लिए। और इनको सिर्फ हमारी मूवी के हीरोज ही रोक सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, हमारी मूवी के हीरोज को ये नहीं पता इनके पास कौन कौन सी सुपर पावर्स है और उनको यूज कैसे करना है। तो ऐसे में हमारे सुपर हीरोज किस तरह इनको रोकते हैं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है मलिग्नेंट। ये मूवी भी आई थी साल 2021 में। एक हॉरर मिस्ट्री क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है मेडिसन नाम की एक औरत की, जिसको अजीब अजीब सपने आते हैं, जिसमें वो देखती है किलर अनजान लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। पर मेडिसन इन सपनों को सिर्फ सपना समझती है, लेकिन ये जो सपने देखती है वही मेडिसन की रियल लाइफ में हो रहा है। एक्चुअल में लोग मर रहे हैं। जिसके बाद अगला नंबर मेडिसन का है। तो आगे मेडिसन के साथ क्या कुछ होता है और मेडिसन को ये सपने क्यों आ रहे हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और ये अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है ओवरलॉर्ड। Oh,
ये मूवी आई थी साल 2018 में, एक साइफाई एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के समय में यूएस सोल्जर्स की, जिनको एक टास्क दिया जाता है जिसमें इनको जर्मन आर्मी के एक रेडियो स्टेशन को उड़ाना है। पर जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये देखते हैं जर्मन आर्मी एक सीक्रेट लैब के अंदर लोगों के ऊपर कुछ अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रही है। और ये सोल्जर डिसाइड करते हैं ये रेडियो स्टेशन के साथ साथ इस लैब को भी डिस्ट्रॉय करके जाएंगे। और ये लोग लैब और रेडियो स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है फैती 1453। ये मूवी आई थी साल 2012 में, एक एक्शन ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है ओटोमन के सुल्तान मेहमद की, जिनका सपना होता है कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के एक शहर को किसी भी हाल में फतेह करना, जिसको आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। पहले भी 23 फौजों ने इस शहर को फतेह करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी के सभी नाकाम रहे, क्योंकि इस जगह को इस तरह डिजाइन किया गया है। इस पर कब्जा करना तो दूर की बात है, इसमें कोई घुस भी नहीं सकता। तो किस तरह सुल्तान मेहमद अपने सपने को पूरा करते हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपने नंबर 2 की मूवी की ओर। हमारे नंबर 2 की मूवी है व्हाइट स्नेक। ये मूवी आई थी साल 2019 में, एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एलेक्स नाम के एक लड़के की, जिसकी मुलाकात एक दिन हैना नाम की एक व्हाइट स्नेक से होती है, और एलेक्स को हैना से प्यार हो जाता है। और आगे दोनों की लव स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की एनिमेशन लव स्टोरी मूवी है, डेफिनेटली मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट और मास्टरपीस मूवी की ओर। और हमारी लास्ट और मास्टरपीस मूवी है ब्लेड रनर 2049। ये मूवी आई थी साल 2017 में, एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। और ये मूवी 1982 में आई ब्लेड रनर मूवी का सीक्वल है। बाई चांस अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वो मूवी आपको जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस मूवी की कहानी ठीक पार्ट वन को कंटिन्यू करती है। और इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, जहां पर इंसान रेप्लिकेंट बनाते हैं। रेप्लिकेंट सेम इंसानों के जैसे होते हैं, बस उनके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग नहीं होती, ना ही वो रोबोट होते हैं ना ही इंसान। और आगे चल के 5 रेप्लिकेंट इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाते हैं, जिनको रोकने के लिए ब्लेड रनर कॉप्स को तैयार किया जाता है। और ये ब्लेड रनर किस तरह रेप्लिकेंट को रोकते हैं, और ये रेप्लिकेंट इंसानों के लिए खतरा क्यों बने, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही ग्रेट साइफाई एक्शन मूवी है। दोनों पार्ट देखने के बाद लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइज, आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।